वर्ल्ड कप 2019 के 36वें और 37वें मुकाबले के बाद इन तीन टीमों के लिए बहुत बुरी खबर निकल कर आ रही है, और इन मुकाबलों के बाद इन्हीं तीन टीमों को बड़े ही खरारे और खतरनाक झटके लग गए हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं तीन टीमों के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। और अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2019 में जीत जाए, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अभी कर दीजिए, और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जिस टीम का नाम आता है, वह आता है न्यूजीलैंड की टीम का। वर्ल्ड कप 2019 के 37वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने न्यूजीलैंड को 86 रनों से मात दी, परंतु दोस्तों इस मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर भी खतरों के बादल मंडरा रहे हैं। अभी तक न्यूजीलैंड की टीम ने कुल 8 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबलों में इस टीम को जीत मिली है और 2 मुकाबले यह टीम अभी तक हार चुकी है। परंतु दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि न्यूजीलैंड की टीम अभी तक कुल 11 अंकों पर है, एक मुकाबला इनके पास बचा है जो कि इंग्लैंड से होने वाला है, वो मुकाबला भी बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और अगर किसी भी तरह से न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड के खिलाफ हार जाती है, तब बांग्लादेश की टीम के जो क्वालिफिकेशन के रास्ते हैं, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों न्यूजीलैंड का रन रेट इस वक्त काफी अच्छा है, परंतु बांग्लादेश के पास इस वक्त कुल 2 मुकाबले बचे हैं। अगर वह दोनों के दोनों मुकाबले बड़े बड़े अंतरों से जीत जाता है, तब न्यूजीलैंड के इस रन रेट को वह बहुत आसानी से तोड़ सकता है। और दोस्तों, इतनी जबरदस्त शुरुआत करने के बाद भी सिर्फ एक मुकाबला हारने के बाद न्यूजीलैंड की टीम की क्वालिफिकेशन के रास्ते भी अब बहुत ज्यादा खतरे में पड़ गए हैं। और दोस्तों, दूसरे नंबर पर जिस टीम का नाम आता है, वह आता है श्रीलंका की टीम का। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मुकाबले से पहले श्रीलंका की टीम भी क्वालिफिकेशन की दौड़ में पूरी तरह से चल रही थी, परंतु जैसे ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जीता जाता मैच गवा दिया, उसके बाद श्रीलंका की टीम भी अब लगभग पूरी तरह से दौड़ से बाहर हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों श्रीलंका की टीम के पास इस वक्त कुल 2 मुकाबले बचे हैं, एक होगा भारत के खिलाफ और एक होगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और दोस्तों, अगर किसी भी तरह से मान लो कुछ भी हो जाए और अगर श्रीलंका ने यह दोनों मुकाबले भी जीत लिए, तब भी उनका नेट रन रेट इतना खराब है कि वह इस मुकाबले में अब अपना कमबैक कर ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इसी वजह से पाकिस्तान की जीत के बाद श्रीलंका की टीम भी अब पूरी तरह से वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो चुकी है। तो दोस्तों, श्रीलंका के लिए भी यह बहुत बुरी खबर है। तो दोस्तों, अब अगर तीसरे नंबर पर जिस टीम का नाम आता है, वह आता है पाकिस्तान की टीम का। पाकिस्तान की टीम ने वैसे तो अफगानिस्तान के खिलाफ 3 विकेटों से एक शानदार जीत हासिल की, परंतु इस मुकाबले के बाद दिक्कत ये हो गई कि जो यह मुकाबला पाकिस्तान की टीम को बड़े ही आराम से जीतना चाहिए था, वो पाकिस्तान बड़ी क्लोजली आके जीती, और इस वजह से पाकिस्तान की टीम अपना जो नेट रन रेट है, जो कि बहुत खराब है, उसमें इजाफा नहीं कर पाई। दोस्तों, अगर बांग्लादेश और इंग्लैंड की टीम दोनों अपने कुछ मुकाबले आगे जीत जाती है, तब वह पाकिस्तान की टीम को इजीली दौड़ से बाहर कर सकती है, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड और बांग्लादेश के पास इस वक्त क्वालिफिकेशन के काफी अच्छे मौके हैं, और इन दोनों का जो नेट रन रेट है, वो पाकिस्तान की टीम के मुकाबले से बहुत ज्यादा बेहतर है। और इसी वजह से जो पाकिस्तान की टीम को बड़ी आराम से और बड़े अंतर से मैच जीतना चाहिए था, वही पाकिस्तान बड़े क्लोज आके अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जीती, और इसी वजह से पाकिस्तान की टीम के लिए भी अब बहुत ज्यादा खतरे बढ़ गए हैं, और लगातार नई नई खबरें पाकिस्तान की टीम के लिए आनी बंद नहीं हो रही है। तो दोस्तों, यह थे वह बड़े बड़े झटके जो इन तीन टीमों को 29 जुलाई के मुकाबलों के बाद लग गए हैं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी टीम चौथे नंबर पर अभी भी क्वालिफाई कर सकती है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।